मेगा स्टार अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन के सपोर्ट में आखिर कब बोलेंगे। अब तो उनके ही पोस्ट को लेकर काफी ज्यादा ट्रॉल हो रही है जया बच्चन। जया बच्चन को हाल ही में अमिताभ बच्चन के आने वाले शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 की शूटिंग को लेकर खूब ट्रोल किया गया। दरअसल शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 के सेट पर अमिताभ जब काफी खुश नजर आए, बिजी नजर आए, अमिताभ फोन कॉल पर बात करते नजर आए, अमिताभ एक्साइटमेंट जाहिर करते नजर आए, तो अमिताभ बच्चन के उस पोस्ट को शेयर करते हुए खूब ज्यादा चर्चा का विषय बनते हुए देखा गया अमिताभ बच्चन को। और तो और जया बच्चन अमिताभ के ही आगे अपने ही पोस्ट में काफ़ी ज़्यादा अमिताभ बच्चन के आगे जया बच्चन हो गई ट्रॉल। दरअसल जया बच्चन को ट्रोल करते हुए कुछ लोगों ने कह दिया कि जया बच्चन को लॉकअप में कंप्यूटर महाशय जया बच्चन को लॉक किया जाए और इसी बात को लेकर चर्चा रही। दरअसल ये अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को लेकर इसलिए नाराजगी है क्योंकि अमिताभ ने भी ना तो जया बच्चन ने सुशांत को लेकर एक शब्द कहा, यहाँ तक कि अपने स्पीच में नाराजगी जाहिर की उन लोगों के खिलाफ जया बच्चन ने जो कि सुशांत मामले में जांच पड़ताल करते हुए सुशांत के सपोर्ट में एनसीबी के माध्यम से बॉलीवुड इंडस्ट्री की सच्चाई सामने ला रहे हैं, इलीगल तरीके से जो नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, जिसे लेकर जया प्रदा ने भी नाराजगी जाहिर की। रवि किशन, कंगना रनौत से लेकर मुकेश खन्ना ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन अमिताभ ने एक शब्द तक नहीं कहा। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने जो भी कहा उसे लेकर अब तक लोग विरोध कर रहे हैं। तो फिर जया बच्चन को ट्रॉल करते हुए लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, अमिताभ के पोस्ट में जम कर उन्हें एम्बैरेस किया गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जया बच्चन को उनकी जगह दिखाई जा रही है, उनके चाहने वाले, अमिताभ के चाहने वाले भी अब नाराज हैं। उनके फैंस जो अमिताभ बच्चन को फॉलो किया करते थे उन सब ने कमेंट में लिखकर कहा कि जया ने बहुत गलत किया। दरअसल जया बच्चन को खास अमिताभ बच्चन ऐसा बोलने से रोक पाते, शायद यही उम्मीद थी उन सभी दर्शक की जिन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए अमिताभ की पोस्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए कमेंट करते हुए रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला शेयर किया है। वेल वेल वेल, अब पार्लियामेंट में इस विरोध में अब नया स्टेटमेंट जया प्रदा का क्या होगा, फिलहाल उस समय का इंतजार करना होगा अगली सुनवाई तक का। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।